हेलो बच्चों, आज शुरू करते हैं प्योरिटी ऑफ मैटर। बच्चों, मैटर क्या होता है तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कुछ कॉमन टर्म लेते हैं और उनको स्टडी करते हैं वन बाय वन। पहली टर्म रहेगी हमारी एलिमेंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय एन एलिमेंट? आइए, अ प्योर सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। बच्चों, अगर आपके पास कोई प्योर सब्सटेंस है और उसमें केवल एक ही टाइप के पार्टिकल है, देन दिस सब्सटेंस विल बी नोन एज एलिमेंट। 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार। बच्चों, आज की तारीख में 118 एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा चुके हैं। वो सब आपको मिलेंगे पीरियोडिक टेबल में, हम लोग अलग से वीडियो देखेंगे उसका। और बच्चों, फ्यूचर में हो सकता है आपको बहुत जल्दी कुछ नए एलिमेंट भी दिखाई पड़े जो कि अभी डिस्कवर करना बाकी है, उन पे काम चल रहा है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एलिमेंट को तीन क्लास में, तीन टाइप में डिवाइड किया हुआ है। पहला टाइप होता है मेटल्स, एग्जांपल रहेंगे Fe, Na, Cu एटसेट्रा। दूसरा रहेगा नॉन मेटल्स, एग्जांपल रहेंगे नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन एटसेट्रा। थर्ड टाइप रहेगा मेटलॉइड्स, एग्जांपल रहेंगे जिंक, एल्युमिनियम, टिन एटसेट्रा। बच्चों, अभी फिलहाल सिर्फ इतना ही ध्यान रखिए कि 118 एलिमेंट्स को मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में डिवाइड किया हुआ है। बच्चों, इनमें से अलग से हम लोग वीडियो बनाएंगे जल्दी, उसमें आपको पूरा इसके थ्रोली स्टडी मिलेगा। फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि हम और इसमें से लगभग 92 एलिमेंट्स जो होते हैं दे आर मेटलिक इन नेचर। अब बात करते हैं व्हाट डू मीन बाय कंपाउंड। अ सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर रेशियो। बच्चों, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट केमिकली रिएक्ट करते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं, तो बनता है नया कंपाउंड। क्लियर है? एग्जांपल रहेगा CO2। तो बच्चों, CO2 में आप देख पा रहे हैं यहां पे दो टाइप के एलिमेंट केमिकली रिएक्ट करते हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन। H2SO4 में आप देख पा रहे हैं तीन टाइप के एलिमेंट केमिकली रिएक्ट करते हैं पर्टिकुलर रेशियो में, तब जाके बनता है H2SO4, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। बच्चों, आप देख रहे हैं HNO3, तो यहाँ पे H का 1 है, N का 1 है, O का 3 है, तो ये पर्टिकुलर रेशियो होता है। और यहाँ पे तीन टाइप के एलिमेंट है CaCO3, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे तीन टाइप के एलिमेंट एक पर्टिकुलर रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं, केमिकल रिएक्ट कर रहे हैं। CA का 1 है, कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम है, ये कंबाइन होते हैं, केमिकली बॉन्ड बनाते हैं, जब जाके बनता है हमारा CaCO3। अब बात करते हैं मिक्सचर्स की। बच्चों, व्हेन टू और मोर टाइप ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स और सब्सटेंस आर एडेड इन एनी रेशियो फिजिकली नॉट केमिकली। बच्चों, जब हम दो या दो से ज्यादा एलिमेंट ये कंपाउंड ये सब्सटेंस को किसी भी रेशियो में मिक्स कर दीजिए, शेक कर दिया, क्या बन गया? मिक्सचर। और बच्चों, यहां पे जो एडिशन होता है, मिक्सिंग जो होती है वो फिजिकल होती है, यानी केमिकली रिएक्शन नहीं होती है। अगर केमिकली रिएक्शन हुई तो क्या बन जाएगा सर? कंपाउंड। और अगर फिजिकली मिक्स हुआ है, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? मिक्सचर। एग्जाम्पल लिखते हैं बच्चों, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं बहुत सारे, सॉइल, मिनरल्स, सॉल्ट एंड चिली पाउडर। ये आप अपने घर में देखते हैं, आज ही आप कर सकते हैं, जाके क्या कीजिए, नमक लीजिए थोड़ा सा, उसके अंदर एक चुटकी डाल दीजिए क्या, रेड चिली पाउडर, शेक कर दीजिए, सर क्या बन गया? मिक्सचर। सर, दो चुटकी डालूंगा सर, तब भी क्या बनेगा? मिक्सचर। सर, बच्चों, यहां पर कोई रेशियो, पर्टिकुलर रेशियो, कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है। किसी भी रेशियो में आप कंपाउंड सब्सटेंस को मिला सकते हैं और उनको सेपरेट भी कर सकते हैं, तो ऐसा सब्सटेंस कहलाता है मिक्सचर। आइए बच्चों, बात करते हैं डिफरेंसेस की, डिफरेंसेस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो बच्चों, यहाँ पे हमने तीन कॉलम मेंटेन किए हुए हैं। पहले कॉलम में प्रॉपर्टीज लिया हुआ है, दूसरे कॉलम में मिक्सचर लिया हुआ है और तीसरे कॉलम में कंपाउंड्स लिया हुआ है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर और फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड की। तो आप देख पा रहे हैं मिक्सचर्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस और एलिमेंट्स आर कंबाइंड फिजिकली। यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस और एलिमेंट्स आर कंबाइंड केमिकली। यहां पे जब भी आप सब्सटेंस या एलिमेंट को मिक्स करोगे, दे विल कंबाइन केमिकली, यानी उन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होगा। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर एंड कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड्स की। तो आप जानते हैं मिक्सचर हैव वेरिएबल कंपोजिशन। सर, यहां पर आप जो भी मिक्स कर रहे हैं, दो सब्सटेंस मिक्स कर रहे हैं, दो एलिमेंट मिक्स कर रहे हैं, तो दोनों आपको आंख से दिखाई पड़ेंगे, आप उनको सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि वहां पर केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है। सपोज आपने सॉल्ट लिया हुआ है और सॉल्ट में आप रेड चिली पाउडर डाल देते हैं, तो रेड चिली पाउडर और नमक आपको इजीली दिखाई पड़ता है।
और यहाँ पे बात करते हैं कंपाउंड्स में, दे हैव फिक्स कंपोजिशन। सर यहाँ पे ऐसा नहीं होता, आपने अभी नमक और मिर्च मिलाया था सर, वहां पे आप मिर्च के अमाउंट को चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं वाटर की, वाटर इज अ कंपाउंड, अभी हमने देखा था, तो वाटर बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। हाइड्रोजन एलिमेंट के दो एटम आते हैं और ऑक्सीजन का एक एटम आता है, दोनों कंबाइन होता है और कंपाउंड बनता है H2O। सर यहाँ पे H के दो एटम है और O का एक एटम है। अगर मैं यहाँ पे इनका नंबर चेंज कर देता हूं, देखिए यहाँ पे लिया हमने वाटर, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दो एटम H के हैं और एक एटम O का है। लेकिन अगर सर यहाँ पे इनका कंपोजिशन चेंज हो जाए तो ये बन जाएगा H2O2। क्या ये दोनों सेम है? नहीं सर, ये दोनों सेम नहीं है, ये वाटर है और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट कंबाइन होते हैं, जो भी सब्सटेंस कंबाइन होते हैं, उनका कंपोजिशन फिक्स रहता है, उनका रेशियो फिक्स रहता है। अब बात करते हैं नेचर की, कैसी नेचर होती है। मिक्सचर्स हैव प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल कंपोनेंट्स कंबाइंड। अगर आपके एक नमकीन दे दिया जाए, जिस नमकीन के अंदर आपको पीनट पड़ा हुआ है, कैश्यू पड़ा है, किशमिश पड़ा है और वहां पे नमक भी है और आलू लच्छा भी है, जब आप उसको खाएंगे तो आपको हर एक कंपोनेंट का टेस्ट फील होगा। इसका मतलब क्या है? दे हैव प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल कंपोनेंट्स कंबाइंड। जिनको भी आप मिलाएंगे उनकी प्रॉपर्टी आप कभी भी मिक्सचर के अंदर चेक कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, दे हैव ट्रूली डिफरेंट नेचर फ्रॉम द कंबाइंड सब्सटेंस। अगर मैं यहां पर वाटर कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन का टेस्टिंग करता हूं तो वहां पे वो टेस्ट नहीं हो पाएगा, कि वाटर के अंदर ना तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी मिलेगी और ना ही ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी मिलेगी। क्लियर है? अब बात करते हैं सेपरेशन की। सब मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड फिजिकली। आपने मिक्सचर के अंदर सपोज नमक लिया हुआ है और नमक में आपने डाल दिया है, आपने दाल, नमक और दाल डाल दिया, जस्ट एज्यूम करिए, तो नमक और दाल के पार्टिकल किसी भी रेशो में मिक्स कर दीजिए, चाहे दाल के दो पार्टिकल हो, 10 हो या 20 हो, वो क्या कहलाएगा? वो हमेशा मिक्सचर कहलाएगा। और उन दोनों कंपोनेंट को आप हैंड पिकलिंग से, यानी फिजिकल जो हमारे वे होते हैं जिसमें आपका हैंड पिकलिंग आता है, डिकेंटेशन आता है, या फिर आपका यहाँ पे डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन आता है, किसी भी मेथड से फिजिकली आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंपाउंड्स की। सर कंपाउंड में ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, क्या कोई वाटर के अंदर से हाइड्रोजन गैस को या ऑक्सीजन को फिजिकली सेपरेट कर सकता है? नहीं है पॉसिबल, बिकॉज दे कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल वेज। केमिकल रिएक्शन से ही वहां पे कंपाउंड के कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं, फिजिकली नहीं। अब बात करते हैं एनर्जी चेंज। सर क्या कोई एनर्जी चेंज होता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स? यस। अगर बात करें मिक्सचर की, तो मिक्सचर के अंदर नो एनर्जी एक्सचेंज अकर्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ डीकंपोजिशन। सर मिक्सचर के बनने में या मिक्सचर के डीकंपोज होने में कोई एनर्जी चेंज नहीं होगा, ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी ना ही एनर्जी रिलीज होगी। अब बात करते हैं कंपाउंड्स की। सर कंपाउंड जब भी बनेगा या डीकंपोज होगा वहां पे हमेशा एनर्जी चेंज होगा ही होगा। इज इट क्लियर? अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही बेहतर वीडियो लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।